देखिए, वैसे तो बहुत सारी धातुएं दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन लोहा उन सब धातुओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोहा धरती के गर्भ में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। और लोहे का प्रयोग भारतवर्ष में अगर देखें तो प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। महर्षि चरक के समय में लोहे का उपयोग औषधि निर्माण में भी होता था। लोहा वर्तमान जीवन का आधार है। बिना लोहे के किसी भी तरह के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। और शरीर में भी लोहा हीमोग्लोबिन के आवश्यक अंग के रूप में रहता है। आपके यकृत में, लिवर में, प्लीहा में, स्प्लीन में और मेरुदंड में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी इकट्ठा रहता है। शरीर में अगर आयरन की यानी लोहे की कमी हो जाए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस प्रश्वास की समस्या, ये आपको हो जाती है। और शरीर का जो स्ट्रक्चर है, शरीर की जो मजबूती है, वो कम हो जाती है। तो लोहा एक बड़ी महत्वपूर्ण धातु है और दुनिया के निर्माण में तो आती ही है काम में। आपके शरीर में भी लोहे का यानी आयरन का विशेष महत्व देखा गया है। लोहे का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, लोहा जो धातु है ये सामान्यतः शनि की धातु है। वैसे मेटल पर पूरी जो आधिपत्य है वो मंगल का होता है। मेटल का स्वामी इन ऑल मंगल है, लेकिन लोहा अलग से शनि से जोड़ा जाता है। अपने गुणों और अपने प्रभाव के कारण ये शनि का तत्व माना जाता है। अगर शनि संबंधी कोई पीड़ा है, शनि संबंधी कोई दिक्कत है, तो उसके लिए लोहे का दान किया जाता है और लोहे के पात्र में भोजन भी किया जाता है शनि की पीड़ा से छुटकारे के लिए। लोहे के नाल की अंगूठी भी बनवा करके उंगली में पहनी जाती है शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए। लोहे के प्रयोग से शनि को मजबूती मिलती है। आप लोहे का छल्ला पहनते हैं, लोहे के पलंग पर बैठते हैं, लोहे की मूर्ति की पूजा करते हैं, यानी लोहे के ज्यादा संपर्क में रहते हैं, तो इससे आपके शनि को स्ट्रेंथ मिलती है, इससे आपके शनि को ताकत मिलती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।